सी तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन वायरल हुआ है और हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एग्जाम के 1 घंटा बाद वायरल हुआ है। तो जब हर सेंटर में जैमर लगा हुआ है तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि वो क्वेश्चन वायरल कैसे हुआ 1 घंटा बाद अगर जैमर लगा हुआ तो। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। BSSC CGL 3 यानी कि तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर लीक को लेकर आज अभ्यर्थियों का जुटान पटना कॉलेज के ग्राउंड में हुआ था। बहुत कुछ आगे की रणनीतियां तय करनी थी कि जब पेपर लीक हो गया तो आखिरकार आयोग पूरे परीक्षा को रद्द क्यों नहीं कर रहा है, क्या उसकी मंशा रद्द करने की नहीं है, इसी को लेकर ये बैठक हुई। बहुत अभ्यर्थी वहां पहुंचे थे, छात्र नेता दिलीप इसकी अगुवाई कर रहे थे और बैठक खत्म होने के बाद जो ये तमाम अभ्यर्थी थे वो राजधानी पटना की सड़कों पर पैदल मार्च करने भी निकल पड़े हैं। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और वो कारगिल चौक तक ये मार्च करेंगे जो कि पटना कॉलेज से निकला है, मुसलमपुर जाएगा, फिर ये मार्च उनका भिखना पहाड़ी जाएगा और वहाँ से कारगिल चौक तक के लिए रवाना हो जाएगा। हमारी सहयोगी रूपम वहाँ पर मौजूद हैं और अभ्यर्थियों से बातचीत भी कर रही हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। आप देख सकते हैं कि पैदल मार्च के लिए निकल पड़े हैं ये सारे अभ्यर्थी। अब किस तरह से लग रहा है कि ये हनुमान सेना निकल पड़ी है यहाँ से और वो लोग यहाँ से निकल पड़े हैं। कहाँ आप लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कारगिल चौक जी जी। आंदोलन का डेट कब डिसाइड हुआ है? 4 तारीख को। BPSC तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन वायरल हुआ है और हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एग्जाम के 1 घंटा बाद वायरल हुआ है। तो जब हर सेंटर में जैमर लगा हुआ है तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि वो क्वेश्चन वायरल कैसे हुआ 1 घंटा बाद अगर जैमर लगा हुआ तो। या तो सेंटर गलत है या तो हमारे मुख्यमंत्री साहब गलत है, उनका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सचिवालय सहायक का जो ये पेपर था वो 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को कराया गया था 3 पालियों में, लेकिन जब 23 दिसंबर को प्रथम पाली की परीक्षा शुरू हुई उसके तुरंत बाद ही सोशल मीडिया में प्रश्न पत्र जो थे वो वायरल हो गए। उसके बाद जो आयोग है उसने कहा था कि इसकी अनुसंधान आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दी गई है। अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी की खबर है लेकिन आयोग ने अभी तक उस स्पष्टीकरण के बाद दोबारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसे में अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा चिंता है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होने वाला है, पेपर रद्द होगा नहीं होगा। लेकिन उनकी मांग है कि पूरा पेपर ही रद्द करना चाहिए और दोबारा से फिर से यानी कि नए सिरे से परीक्षा होनी चाहिए। 9 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले थे। अब देखिए कि आगे क्या कुछ होता है, जांच चल रही है, आयोग की तरफ से दोबारा जवाब नहीं मिला है लेकिन अभ्यर्थी जो है अब वो आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।